नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल जया लिटी फ्लावर गैलरी में। आज हम आपको बताएंगे कि गुलाब के पौधों के लिए सबसे बेस्ट जो है खाद कौन सी रहती है। तो दोस्तों, बोले चाय की पत्ती हमारे घर में मिलती है तो हमको खरीद कर डालने की ज़रूरत नहीं है। चाय की पत्ती को हम कैसे डालें बोले अपने गुलाब के पौधों में, जैसे कि हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। तो चाय की पत्ती को सबसे पहले हमको चाय की पत्ती छान लेना है, उसमें से सारे जो है दूध के जितने भी दिखते हैं दूध, उसमें से चाय की पत्ती जब हम पानी में डालते हैं चाय बनने के बाद, तो उसमें से दूध जैसा निकलता है। तो हमको पानी का फ्लो करके और उसको अच्छे से धो लेना है। और धो करके देखिए, ये हमारा चाय का पत्ती है, हमने धो लिया है। धोने के बाद ये हल्का अभी गीला है, सुबह ही हमने रखा था सूखने के लिए, तो ये गीला है। तो गीला हमको नहीं डालना है, क्योंकि गीला डालने से उसमें फंगस लग जाएगा। इसको अच्छे से धो लीजिए, धो करके इसको अच्छे से सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद देखिए, हमारा ये ऐसा हो जाता है। सुखाने के बाद ये हमारा ये ऐसा हो जाता है, देखिए पूरा सूखा हुआ है। और इसमें से आवाज़ आएगी, जब सूख जाएगा तो इसमें से आवाज़ आएगी, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये इतना सूखना चाहिए कि इसमें से आवाज़ आए। फिर आप या तो पीस लीजिए इसको ग्राइंडर में, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट जो है आप इसको जो है डाल सकते हैं। तो डालने का क्या कैसा तरीका है, अगर हम उसको ये देखिए, ये हमने इसको राख में मिला लिया है। राख में मिलाने से कैसा होता है, राख में मिला देने से जो है इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और जो चाय की पत्ती में मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आपका कुछ दूध जैसा चीज़ छूट गया होगा और मिठास छूट गई होंगी, तो उससे वो फंगस नहीं लगेगा और चींटियाँ नहीं लगेंगी। तो इसके लिए हमको जो है ये चाय पत्ती को जो है ये राख में मिला लेना है। घर में राख मिल तो मिल ही जाती है, तो राख नहीं भी रहे तो चाय की पत्ती को अच्छे से धोना ज़रूरी है। अच्छे से धो करके बढ़िया से सुखा लीजिए 2-3 दिन धूप में, और सुखा सुखा करके आप उसको डब्बे में भर कर रखते जाइए, और जब भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उसको पौधों में डाल दीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि उसको पौधों में कैसे डालना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा गुलाब का पौधा है। तो ये गुलाब के पौधे में हम आपको डाल के बताते हैं। सबसे पहले इसकी आप गुड़ाई कर लीजिए ऐसे, और इसके ये बिल्कुल ये जो जड़ है इसके पास में आप कुछ भी खुदाई मत करिए, क्योंकि इसके जड़ों को नुकसान हो जाएगा। तो आप उसको किनारे किनारे इसको खोद लीजिए, और हर 10 दिन पे, 15 दिन पे, नहीं तो हफ्ते में एक बार आप ज़रूर उसको डालिए। और आप चाहें तो इसको पौधे लगाते वक्त भी आप इसको डाल सकते हैं, उससे आपको बाद में फिर ज़्यादा दिनों तक खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदाई कर लीजिए, खुदाई करके इसकी मिट्टी जो है आप ऐसे हटा दीजिए। खुदाई थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है बहुत फैली हुई है। और इसको डालने से आपकी जो मिट्टी है ना बहुत पोरस हो जाती है, और इसमें से पानी ठहरता नहीं है, पानी बहुत आराम से बाहर पास हो जाता है, और मिट्टी जो है ऐसी जो है ये देखिए ऐसी भुरभुरी बनी हुई रहती है। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा गड्ढा हो गया है। अब इसमें जो है हम ये राख मिला हुआ चाय पत्ती जो है इसको हम डाल देते हैं। ज़्यादा राख ना मिलाएं, क्योंकि ज़्यादा राख शायद गुलाब के पौधों को नहीं दी जाती, ऐसा मैंने सुना हुआ है। ये चाय की पत्ती आप थोड़ा थोड़ा 25 ग्राम 50 ग्राम जितना आपको ऐसा लगता है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये डाल दिया हमने, डालने के बाद में आप इसको वापस से ढक दीजिए। देखिए इधर भी, हाँ देखिए ये हमने डाल दिया है। अब इसको ढक दीजिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा हम बस पानी डाल देंगे। तो आज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम एक दिन बाद जो है पौधों में पानी डालते हैं। तो आप एक दिन बाद भी पानी डाल सकते हैं, अगर आपका पौधा सूखा हुआ है तो आप तुरंत पानी डाल सकते हैं। तो हमारा पौधा अभी सूखा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी जो है अभी मॉइस्ट दिख रही है, तो इसलिए जो है हम इसको अभी पानी नहीं डालेंगे। हम इसको पानी जो है कल डालेंगे सुबह सुबह। तो ये हमारा हो गया, अब हम ऐसे ही बोले दूसरे गमलों में भी डाल देते हैं। देखिए हम आप भी दूसरे गुलाब के पौधे में भी डालते हैं इसको, इसको भी हम थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेते हैं। ये भी हमारा पौधा मॉइस्ट है, इसमें पानी हमने कल का डाला हुआ है। तो आज हम सिर्फ खाद डालकर छोड़ देंगे और फिर कल पानी डालेंगे।
आप देख रहे होंगे कि ये हमने दुपट्टा क्यों लगा के रखा हुआ कपड़ा। तो दोस्तों बंदर यहाँ पे बहुत आता है और हमको इतना परेशान करता है, पूरे गुलाब के पौधे खाकर ख़त्म कर देता है, इसलिए हमको ये ढककर रखना पड़ता है। आज बंदर आए थे इसलिए हमने ये ढका हुआ है। तो ऐसे ही आप जो है हर पौधे को चाय पत्ती की खाद जो है डालें, और इस ये अगर खाद डालते हैं तो आपको हर 1 हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में आप डाल सकते हैं। और डालने अगर पौधा ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए, और ज़्यादा सूखा नहीं है तो आप इसको डालकर छोड़ दीजिए और बाद में आप पानी डाल सकते हैं, जैसे आपको लगे कि नहीं अब पानी डालना चाहिए तो इसमें पानी डाल।